मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान रणजी ट्रॉफी में कमाल के फॉर्म में हैं। मध्य प्रदेश के खिलाफ खेले जा रहे फाइनल मुकाबले में इस खिलाड़ी ने इस सीजन का चौथा शतक जड़ा। सेंचुरी लगाने के बाद सरफराज काफी इमोशनल हो गए और रोने लगे। साथ ही उन्होंने हाल ही में दुनिया को अलविदा कह चुके पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का सिग्नेचर स्टेप कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान वो काफी भावुक नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैच में सरफराज के बल्ले से 243 गेंद में 134 रन निकले। इस दौरान उन्होंने 13 चौका और 2 छक्का भी लगाया। मुंबई की पूरी पारी 374 रन पर खत्म हुई। सरफराज के अलावा यशस्वी जायसवाल ने 78 और पृथ्वी शॉ ने 47 रनों का योगदान दिया। आपको बता दें कि रणजी ट्रॉफी के पिछले सीजन में सरफराज ने 9 पारियों में 928 रन बनाए थे। वहीं इस सीजन 133 के औसत के साथ 937 रन बना चुके हैं। कम से कम 2000 फर्स्ट क्लास रन बनाने वाले बल्लेबाजों में उनका औसत 82 का है। उनके आगे सिर्फ डॉन ब्रैडमैन हैं। फाइनल से पहले सरफराज खान के बल्ले से 275, 63, 48, 165, 153, 40 और 59 के स्कोर निकले थे। गुरुवार को मुंबई ने अपनी पारी को 248 से आगे बढ़ाया और स्कोर में 126 रन जोड़े और 5 विकेट भी गंवाए।